9 सितंबर 2021 की बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की खबर को बतलाता है। आप अपने यूनिवर्सिटी की खबर को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए आज की जो भी खबर है उसे हम विस्तार से जान लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है मगध यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है और आप देख पाएंगे आज जारी हो सकती है पीजी वाले स्टूडेंटों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट और पार्ट वन वाले स्टूडेंटों का यानी 2021-24 वाले स्टूडेंटों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट सोमवार को जारी होने वाली है। पार्ट वन वाले स्टूडेंटों की सीटों की संख्या है 1,30,000 लेकिन आवेदन आए हैं 1,45,000। उसी तरीके से पीजी वाले स्टूडेंटों की सीटों की संख्या 7,500 है लेकिन आवेदन आए हैं 23,000 से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं आपका कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है और यूनिवर्सिटी आप सभी स्टूडेंटों को मैसेज भेज रहा है तो आपको मैसेज को चेक करते रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, एसएमएस और ईमेल को चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे CUSB में 25 PhD पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए 10 तक आवेदन और सीधे प्रवेश के लिए किया आवेदन आमंत्रित। और यहां पर साफ तौर पर एक चीज़ और देख रहे हैं, इस अकाडमिक सत्र में 3 नए PhD कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। तो यहां ये जो खबर आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से खबर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर रही है पुणे यूनिवर्सिटी से खबर निकल कर रही है, जो कि आप देख पाएंगे पुणे विश्वविद्यालय के PhD कोर्स के दूसरे सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा जल्द होने की आसार है। इसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रथम सत्र PhD के लिए रजिस्ट्रेशन का भी कार्य शुरू कर दिया गया है और PhD रजिस्ट्रेशन के जो आप कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग कुछ दस्तावेज की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर मैंसन किया गया। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है PG सेमेस्टर 1 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से खुलेगा पोर्टल। और यहां साफ तौर पर देख पा रहे हैं PG सत्र 2020-22 वाले स्टूडेंटों के लिए और उसी तरीके से पार्ट वन वाले स्टूडेंट यानी 2020-23 वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर मैंसन किया गया। तो उनका 9 से 13 सितम्बर के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपके लिए ओपन हो रहा है वेबसाइट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं TNBU से खबर निकल कर रही है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, जो कि BEd परीक्षा पे बनेंगे 3 केंद्र और इसके लिए 1400 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। 14 BEd कॉलेज में 1400 से ज़्यादा उपस्थित होने वाले हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, PG के लिए 25 सीटों पर आज नामांकन के लिए आज बैठक हो गया, क्या कुछ डिटेल्स निकल के आ रही है हम आपको कल की वीडियो में बतलाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है TNBU सत्र 2020-22 वाले PG स्टूडेंटों के लिए खबर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संबंध डिग्री कॉलेजों को अपडेट करनी होगी वेबसाइट, जो कि स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास खबर निकल के आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से खबर है, जो कि PG वाले स्टूडेंटों के लिए सत्र 2020-22 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 9 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। शुल्क ₹550 लगने वाला है। दोस्तों यहां पे आप माइग्रेशन व पेमेंट स्लिप प्रति पंजीयन शाखा में जमा करेंगे, उसके बाद ही आपको पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर साफ तौर पर मैंसन कर दिया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं TNP कॉलेज से खबर आ रहा है, जो कि TMBU के अंतर्गत एक जो कॉलेज है वो आती है। यहाँ पे एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ कि TNB के छात्रों को खेल में भाग लेने के लिए आप 22 तक जमा करना होगा आवेदन। यहाँ पे सारा डिटेल्स मेंशन किया गया है कि क्या कुछ आपके साथ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे खेल का नाम हुआ, मोबाइल नंबर के साथ साथ और भी डिटेल्स दी गई थी, इन सभी डिटेल्स को रीड करना है। और 11 सितम्बर को चयनित प्रतियोगिता में होगी और इसी के दौरान सुबह से 6 बजे से दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगी, साफ तौर पर यहाँ पे मेंशन भी किया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, TNBU कॉलेज में छात्र अभिभावक गोष्ठी, यहाँ पे जो भी डिटेल्स निकल के आ रही है इन सभी डिटेल्स को भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, जैसा कि देख पाए पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन हो चुकी है कल के डेट में, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स निकल के आ रही है इन सभी डिटेल्स को रीड कर सकते हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं बुधवार को हो चुकी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं JP यूनिवर्सिटी से खबर निकल कर आ रही है, और विश्वविद्यालयों में सिलेबस में हुए बदलाव को लेकर के आज बैठक होगी। और यहां पर एक चीज़ और देख रहे हैं, पेपर 1 में किए गए हैं बदलाव, उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ बैठक में निर्णय लिया जाएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री के साथ साथ वह सभी विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे मौजूद, जो कि साफ तौर पर यहाँ पर मैंसन कर दिया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है, और BEd पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आज का फॉर्म
भरना है तो यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया आज तक फॉर्म को फिल कर लीजिए, नहीं भरे तो। यहाँ पे बीएड पार्ट टू के लिए 17 भी मेंशन किया गया 16 से 18 और बीएड पार्ट वन के लिए 17 से 19 में मेंशन किया है, तो आज लास्ट डेट है दोस्तों, जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मनोविज्ञान विभाग और कुलपति आवास पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि पीजी द्वितीय सेमेस्टर के लिए एक खबर है, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है और रिजल्ट गड़बड़ी है, इन्हीं कारणों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से ही खबर है और आप देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय से डिग्री के लिए आवेदन करने पर लगेंगे 400 रुपया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्नातक प्रथम वर्ष में 10 तक यानी 10 सितंबर तक नामांकन करवा लेना है, जो कि यहाँ पे ये जो खबर आ रही है जेपी यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है, और सत्र 2021 से 24 वाले स्टूडेंट यानी पार्ट वन में एडमिशन लेने वालों के लिए खबर है, जो कि इंटर पास स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से खबर निकल कर विश्वविद्यालय ने जारी की पीजी फर्स्ट व सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा का डेट, तो आप सभी स्टूडेंटों को जानना चाहिए और अपने अनुसार से अपने टाइम पे देख लीजिए। यहाँ पे जो खबर निकल कर बहुत महत्वपूर्ण और खबर अच्छी है, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आरपी राजेश ने बताया कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2019 की परीक्षा 20 सितंबर से 1 नवंबर तक चलने वाली है, तो यहाँ पे जो जानकारियाँ निकल के आ रही बहुत महत्वपूर्ण और खास है, उसी तरीके से डेट अभी मेंशन किया गया, इन सभी डेटों को रीड कर लेनी चाहिए और आपका कब एग्जाम है वो जान लेनी चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं महाराजा जो कॉलेज है लॉ कॉलेज उसका मान्यता को लेकर के जांच शुरू हो चुकी है और बस 2019 से बंद है, तो इसमें जो भी खबरें आएगी हम आपको कल की वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ भी के एसोसिएशन बी कॉमर्स यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है, जो कि बीएड परीक्षा दुर्गा पूजा के बाद होने वाली है सेमेस्टर पार्ट वन जिसका सत्र 2020 से 22 है और सेमेस्टर टू जिसका सत्र 2019 से 21 है, यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया, इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवर जी ने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पटना वुमेंस कॉलेज से खबर निकल के आ रही है, जो कि छात्राएं 30 सितंबर तक अपना ऑनलाइन यहां पर करवा सकती हैं आवेदन, यहां पर जो डिटेल्स निकल के आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए 30 सितंबर तक है, नामांकन इंटरव्यू के आधार पर होगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी खबर निकल के आ रही है। इसमें 45 यहाँ पर बैचलर डिग्री में आपको 45% होना चाहिए और 20 सीटें हैं इसमें, नामांकन होने जा रही इस कोर्स के लिए 1 साल के लिए 45,000 रुपये आपको फीस देना होगा, जो कि पटना वुमेंस कॉलेज से खबर आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं पटना वुमेंस कॉलेज से ही, और यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं स्कूटनी के लिए छात्राएं अपना कर सकते हैं आवेदन, यहाँ पे जो डिटेल्स निकल कर रही इन सभी सब्जेक्ट यानी अपने संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर डिटेल्स नहीं इन सभी को पढ़ लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो जानकारियाँ निकल के आ रही है 200 रुपया भी फीस देनी होगी छात्राओं को, बाकी जानकारियाँ कॉलेज की वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दी गई तो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे पोस्ट मैट्रिक वाले स्टूडेंटों के लिए स्कॉलरशिप के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आप लोग जल्द से जल्द करवा लीजिए, मेगा छात्रों को लाभ मिलेगा, जो कि 2000 से 90,000 तक की छात्रवृत्ति मिलने की अनुमान है, और यहाँ पे सत्र 2019 से 20 और 20 से 21 व 21 से 22 वाले स्टूडेंटों के लिए छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं आवेदन, यहाँ जानकारियाँ दी गई, आप सभी जानकारियों को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भी के एसोसिएशन बीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है और आज नया VC प्रवेश करेंगे, यानी आज नया पदभार संभालने वाले हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र फिर भर सकेंगे फॉर्म, जो कि पीजी सेमेस्टर सत्र 2019 से 21 वाले स्टूडेंटों के लिए, जो कि राहत भरी खबर निकल के आ रही है, जो लोग वंचित रह गए उनको एक मौका मिल रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म को फिल कीजिएगा, जो कि डेट 9 से 10 सितंबर तक दिया गया और लेट फाइन के साथ में भी यहाँ पर 1,000 रुपया लगेगा, तो आप इन सभी डिटेल्सों को देख लीजिएगा। अगले इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्नातक में एडिट खत्म और 10 तक होगा सत्यापन, यहाँ पे विश्वविद्यालय कैंपस से जो खबर निकल के आ रही बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है, जो कि देख पा रहे हैं पहली मेगा सूची के अनुसार से एडिट का ऑप्शन भी खत्म कर दिया गया, तो आप सभी स्टूडेंटों को जानना चाहिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराएं तो नामांकन अस्वीकार हो जाएगी, यानी स्वीकार नहीं किया जाएगा, जो कि पीजी सत्र 2020
बाईस वाले स्टूडेंटों के लिए है और इन सभी डिटेल्स को टेलीग्राम से यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन व फॉर्म भरने के लिए पहले त्रुटि में करें सुधार, जो कि खबर आ रही है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यानी CBSE से खबर निकल कर रही है। तो इन सभी डिटेल्स को आप सभी स्टूडेंटों को जानना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मैं बात करूँ पहले सत्र की परीक्षाएँ 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पर डेट भी मैंशन किया गया, तो इन सभी डेटों को रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं जो कि मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के VC BD कॉलेज में हर सप्ताह लेंगे कला, जो कि अच्छी खबर निकल के आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है, 13 को जारी होगा दूसरा मेगा सूची, 21 से 24 वाले स्टूडेंटों के लिए उनका एडमिशन 26 सितंबर तक करा लेना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ICSE बोर्ड से खबर निकल के आ रही है, जो कि सेमेस्टर 1 की परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया और यहाँ पे 15 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया शेड्यूल। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट का परीक्षाएँ होने वाली, ये भी मेंशन किया गया, तो आप सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी से PG विभाग की समस्याओं का होगा सर्वे, तो यहाँ पे जो भी खबर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। अगला इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे बिहार विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के लिए दाखिला 20 तक होने वाली है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे नामांकन के लिए आवेदन 5 तक करवा लेना, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है। पार्ट 1 वाले स्टूडेंटों के लिए यानी 21 से 22 वाले सत्र के लिए एक खबर निकल के आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं दोस्तों जैसे कि आप देख पाएंगे PG में फेल छात्रों को पास करने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है बिहार विश्वविद्यालय, परीक्षा बोर्ड में मामले में रहेगी बिहार विश्वविद्यालय, देख पा रहे हैं मामले में रखेगा बिहार विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर जो भी खबर निकल के आ रही है अच्छी खबर है। 400 छात्र फेल हुए हैं PG सेकेंड सेमेस्टर में, जो कि आप समझ पा रहे होंगे, और 1 से 2 नंबर से फेल हो रहे हैं छात्र, इन कारणों से हो सकती है। जो भी कुछ डिटेल्स निकल के आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज की जो भी बड़ी खबर निकल के आ रही थी दोस्तों हमने आपके साथ में साझा किया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ में साझा जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम, अपना सत्र और आपका जो भी ऑनर्स पेपर है, कॉलेज का नाम है, सारा कुछ मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो सके। जितना ज़्यादा लोग अपना डिटेल्स को फिल करेंगे उतना ही हमें बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।